बीजेपी के साथ आए हिस्सेदारी मोर्चा के साथ दल। बीजेपी को सहयोग और समर्थन देने की घोषणा, स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुआ ऐलान। गौना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया विकास योजनाओं का लोकार्पण, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस कभी ना होने देती राम मंदिर का निर्माण। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, फिलहाल आलाप समाजवादी पार्टी संग गठबंधन का राग, कहा हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे अखिलेश। देश में कोरोना का प्रकोप अब भी बरकरार, बड़ी संख्या में हो रही मौतें, 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मड़ियाव इलाके में एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी गैंग के दो बदमाशों को ढेर किया गया है। मुख्तार अंसारी गैंग IS-0191 का शार्प शूटर कुख्यात और पेशेवर हत्यारा और 1 लाख का इनामी अली शेर उर्फ डॉक्टर और उसका सहयोगी कमरान उर्फ बन्नू को ढेर किया गया। बता दें कि पिछले कई सालों से पूर्वांचल में अपराध का पर्याय बना हुआ बदमाश अली शेर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये शातिर बदमाश जो देश के कई राज्यों में घूम घूम कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया करता था, इसी बदमाश ने अभी हाल ही में झारखंड के रांची जिले के थाना पालू क्षेत्र में बीजेपी नेता की हत्या की थी। इनामी अली शेर मारा गया है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के दो गुर्गे मारे गए हैं, कुख्यात बदमाश थे, काफी दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख का इनामी अली शेर मारा गया है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, मुख्तार अंसारी के दो कुख्यात बदमाश मार गिराए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के साथ शूटर अली शेर और डॉक्टर उर्फ डॉक्टर जो 1 लाख का इनाम घोषित था, इसको मुठभेड़ में पहले घायल हुए हैं, जहां पर डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। यूपी एसटीएफ के फायरिंग में दोनों को क्या बता रहे, गंभीर रूप से पहले घायल हुए थे, उसके बाद शार्प शूटर अली शेर डॉक्टर को बिन्नू और कामरान दूसरा साथी जो इनका दोनों हाथ में भेजा गया, ये डॉक्टर ने घोषित कर दिया गया। ये मुख्तार अंसारी के गुर्गे कह सकते हैं इनको, और इससे पहले ये झारखंड के जनपद पलामू में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर चुके हैं, जिसके बाद ये फरार चल रहे हैं। बिल्कुल दानिश, हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्तार गैंग के जो शातिर बदमाश है उनको ढूंढ ढूंढ कर या तो मुठभेड़ करके उन्हें घायल किया जा रहा है या उन्हें सीधा मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी अगर जानकारी के लिए देखा जाए तो कितने ऐसे बदमाश हैं मुख्तार गैंग के जो अभी सक्रिय हैं और अलग अलग जगहों पर लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी के जहाँ तक जो लिंकों में आ रहे हैं, वो बाराबंकी से लेकर के सीतापुर मड़ियाव लखनऊ से लेकर झारखंड तक कम कर रखे थे, लेकिन चूंकि ये भाजपा नेता जो थे इनकी हत्या किए हुए थे, इसलिए यूपीएससीएस के जो एडीजी अमिताभ जश के मुताबिक हैं, जिनको मुठभेड़ में मार गिराया गया है, अपराधी अली शेर डॉक्टर एवं आजमगढ़ के देवगांव के रहने वाले थे, और मुख्तार अंसारी कभी आजमगढ़ तथा वो मऊ जिला लगता है, तो कहीं ना कहीं ये आजम मुख्तार अंसारी के काफी नजदीक बताए जा रहे थे। इन पर इनाम भी घोषित था, लोकेशन ट्रैक में थे, ये मड़ियाओं के आसपास थे, और रात में जो मुठभेड़ हुई है पुलिस से, उसमें ये घायल किए गए हैं, इसके बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अभी अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी वैसे सरकार की कंजर कस रही है, कि सरकार उनके कई अवैध बिल्डिंगों और अवैध को लेकर के कई कार्य कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन जो बदमाशों की बात की जाए क्राइम को लेकर के, योगी सरकार काफी इसमें एक्टिव नजर आ रही है, और हालांकि अभी चुनाव से पहले पहले मुठभेड़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुनाव इशारा जरूर कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बदमाश शायद यूपी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुठभेड़ में मुख्तार गैंग के शातिर शूटर मारे गए हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा में कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनती है तो वह 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी। रालौद की कमान संभालने के बाद मथुरा से सांसद रहे जयंत चौधरी बुधवार को मांट विधानसभा क्षेत्र के बाजना गांव स्थित मोरकी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में
आयोजित पार्टी की ओर से पहली जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जयंत चौधरी ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को साल भर में मात्र 6,000 रुपए देकर कहते हैं कि हमने किसानों पर इतना पैसा खर्च कर दिया, जबकि महंगाई उनके सत्ता में आने के बाद से अब तक कई गुना बढ़ चुकी है और किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय आधी रह गई है। इस पर भी डीजल पेट्रोल की कीमत में हर दिन 35 पैसे का इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि उनका गठबंधन किसानों को बीजेपी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 6,000 रुपए के सापेक्ष हर साल 12,000 रुपए देगा और लघु और सीमांत किसानों और दूसरों का खेत जोतने वालों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों का बिजली बिल माफ करने और भविष्य में हाफ करने का भी वादा किया है। यानी कि एक के बाद एक तमाम जो दल हैं वो लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दाव किसानों पर खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 1,132 करोड़ रुपए की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो चुका है। अगर सपा बसपा या कांग्रेस सत्ता में होती तो मंदिर कभी नहीं बनने देती। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे वो आज भगवान राम को अपना बता रहे हैं। योगी ने आतंकवाद को कांग्रेस की देन करार देते हुए कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करके सरकार ने अपने वादे पर अमल करके दिखाया है और सरकार सामूहिक प्रयास के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल में गरीबों को न आवास, न बिजली, न शौचालय और न ही रसोई गैस मिलती थी। पहले गोंडा में जो योजनाएं आती थी वो भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती थी और साल 2017 के पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। तब माफिया सत्ता का सुख भोगते थे और होली, दिवाली और जन्माष्टमी से पहले कर्फ्यू लग जाता था, मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले गोंडा और बलरामपुर दंगों की चपेट में होते थे, लेकिन आज दंगाइयों की 7 पीढ़ी भरपाई करके खत्म हो जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर कोई राजनीतिक समीकरण साधने में लगा है। वहीं हिस्सेदारी मोर्चा के 7 घटक दलों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना सहयोगी और समर्थन देने की घोषणा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ। इस दौरान मोर्चे के घटक दलों में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद, मुसहर आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमा, वनवासी शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मोर्चे में राजभर समाज के 2 नेता शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सभी गरीबों का पक्का मकान बनाना है। 2024 तक जो गरीब बचे हैं उन सभी गरीबों को पक्का मकान देना है, शौचालय देना है, आयुष्मान का कार्ड देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, स्वास्थ्य और शिक्षा भी फ्री करना है। जब कानून का राज होता है तो गरीबों का सम्मान होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता, गुंडागर्दी नहीं होती, अपराध नहीं होता। आम जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज रहेगा और गरीबों का विकास होगा। अमरोहा में परिवर्तन यात्रा लेकर अमरोहा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी संग गठबंधन का राग अलापा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश ने प्रसपा से गठबंधन नहीं किया तो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, शिवपाल ने इशारों इशारों में कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता तो उनकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है। तो अमरोहा की तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव तमाम दलों से गठबंधन कर रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं। इशारों इशारों में साफ तौर पर कह दिया कि अगर अखिलेश यादव उनसे गठबंधन नहीं करते तो वो कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं, तो इसका काफी नुकसान अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी को हो सकती है। देखिए, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कितना उत्पीड़न हो रहा है और आप लोग भी समझ रहे किसका उत्पीड़न हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिम भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, इन्हीं दो जातियों का तो हो रहा है।
आज सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां की जो है एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विद्वेषपूर्ण जो भी कार्रवाई हुई है आजम भाई के खिलाफ, विद्वेष और बताइए, उन्हें छोटी छोटी बताइए किताबों की, बकरी की, लकड़ी के फर्नीचर की, ये रिपोर्टें कहीं हैं, छोटी छोटी बातें। आजम भाई ने तो कितना बड़ा काम किया था यूनिवर्सिटी बना करके। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के परिवार में छुड़ी महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसे आपसी झगड़े में अब परिवार की सबसे छोटी बेटी अमन पटेल भी कूद गई हैं। अमन ने यूपी के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी मां कृष्णा पटेल की जान को खतरा बताया और उनसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की गुहार लगाई। खास बात यह है कि अमन पटेल ने मां की जान को खतरा अपनी बड़ी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल से ही बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पल्लवी और उनके पति पर कोई बड़ी साजिश रचने की आशंका भी जताई है। अमन ने डीजीपी को भेजी गई ये चिट्ठी मीडिया के जरिए सार्वजनिक भी कर दी है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद परिवार का झगड़ा एक बार फिर सड़क पर आता हुआ नजर आने लगा है। तो अनुप्रिया पटेल के घर में जो महाभारत छिड़ी हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस तक आपसी झगड़ा जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। परिवार की सबसे छोटी बेटी का ये कहना है कि उनकी मां को खतरा है और इसको लेकर लगातार एक चिट्ठी भी वो डीजीपी के नाम लिख चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए नीट परीक्षा दोबारा कराने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ये कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण परिणामों में देरी हो रही है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम तय करेंगे कि दिवाली की छुट्टी के बाद दोनों छात्रों का क्या करना है। इस बीच हम नोटिस जारी करते हैं और एक काउंटर दाखिल करते हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जो भी भ्रम है उसे दूर किया जाएगा। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों छात्रों पर विचार नहीं कर रहे जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि अपनी याचिका में एनटीए ने सोलापुर के दो उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट आयोजित करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट मिल गई थी। बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मी का आरोप है कि सीएससी अधीक्षक लगातार उसका शारीरिक शोषण करके उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। महिला कर्मी ने पहले ही इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान महिला कर्मी ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बाराबंकी के सथरिक थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाटा बरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शारीरिक शोषण करने की बात एनएम कहती हुई नजर आ रही है। एनएम का कहना है कि सीएससी अधीक्षक लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान है। इससे पहले भी उसने कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनएम ने सीएससी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंसाफ की गुहार वो लगातार लगा रही है, इससे पहले भी वो शिकायत कर चुकी है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक एनएम समुदाय पर हूँ, जाटा बरौली सीएससी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जाटा बरौली सीएससी है, उससे उपकेंद्र केवाड़ी, उसमें पोस्टेड हूँ समुदाय एनएम की पोस्ट पर। मेरे साथ यहाँ के अधीक्षक जो कुलदीप मौर्य हैं, वो गंदी गंदी बात करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, जिसकी शिकायत मैंने एसपी साहब के पास भी की है और एडीएम साहब के पास की है, महिला आयोग की है, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी की है, जिसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको लेके कुलदीप मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं अपनी नौकरी के रिजाइन दे दूंगी या सीएमओ ऑफिस में भूख हड़ताल पर बैठूंगी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है?
देखिए काजोल, पुलिस से महिला ने जो है पहले ही शिकायत कर रखी थी, पुलिस अधीक्षक से, नवागत पुलिस अधीक्षक आए हैं, अब उनसे भी शिकायत की गई है और सीएमओ से, जो विभागीय अधिकारी हैं सीएमओ से भी शिकायत की गई थी, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हुई। जब पुलिस से शिकायत की गई थी तो वहां पर जांच पहुंची थी, उसके बाद यहां पर सीएससी अधीक्षक इस पर लगातार जो है शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर यह महिला जो है, जो एनएम है, स्वास्थ्य कर्मी है, ये जिलाधिकारी के पास कल पहुंची है और यहाँ पर जो है शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जो महिला कर्मचारी है, इसका लगातार आरोप है कि शारीरिक शोषण का यहाँ पर दबाव बनाया जाता है, अगर बात नहीं मानी जाती है तो अनावश्यक जो है उसके बुलाया जाता है। और रविंद्र, जो सीएससी अधीक्षक है जिनके ऊपर ये आरोप एएनएम लगा रही है, उनके द्वारा क्या कोई बयान सामने आया है? देखिए काजोल, अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया है, ना ही फोन उठा रहे हैं, ना कोई बात करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं जरूर कोई मामला है जिसको लेकर उनको सामने आना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए। फिलहाल मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। काजोल, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बाराबंकी का एक पूरा मामला है जहां पर एनएम ने सीएससी अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि शारीरिक शोषण करने की कोशिश लगातार उसके साथ हो रही थी, जिसकी शिकायत वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। बाराबंकी पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कर्ज में डूबे लखनऊ के दो युवकों ने पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दी थी। दोनों युवकों ने बाराबंकी के कुर्सी कोतवाली क्षेत्र में करीब 7 लाख रुपए की फर्जी लूट की कहानी रची थी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के दौरान करीब 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। बता दें कि 3 दिन पहले लखनऊ के दो युवक बाराबंकी में कर्ज लिया हुआ रुपया देने जा रहे थे। इस दौरान दोनों युवकों ने कुर्सी पुलिस को रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा पैसे लूटने की सूचना दी थी। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। कर्ज में डूबे युवकों ने खुद ही फर्जी लूट की कहानी रची थी और पुलिस में फर्जी सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा कर दोनों युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही दो युवकों ने फर्जी लूट की कहानी रची थी और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद छानबीन की गई और अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कर्ज में डूब गए थे और करीब इनके पास से 4 लाख रुपए भी मिले हैं, तो ऐसे में इन्होंने झूठी कहानी गढ़ी है और पुलिस में सूचना दी। आखिरकार दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल दोनों युवक कर्ज में डूबे थे और युवकों ने ऐसे में बदमाशों द्वारा लूट की झूठी कहानी रची, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब गहनता से छानबीन की है तो फिर जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। तो बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्ज में डूबके युवकों ने झूठी कहानी रची और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसका खुलासा किया है और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी बरकरार है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,156 नए कोरोना केसेस सामने आए। वहीं कल 733 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,56,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 17,095 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,60,000 से ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के 3,82,31,809 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 3,36,00,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की करीब 49,09,254 डोज दी गई हैं, जिसके बाद देश में अब तक 104,04,99,873 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12,90,900 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 60,44,98,405 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।
बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने बंधन बैंक कर्मी से हथियार के बल पर 1,10,000 रुपयों की लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बंधन बैंक में कार्यरत महिला समूह बगरस से बंधन बैंक कर्मी अमरजीत कुमार 1,10,000 रुपये लेकर वापस बंधन बैंक भगवानपुर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन अपराधी हथियार के बल पर 1,10,000 रुपये सहित मोबाइल टैब मार्फो डिवाइस लूट कर मौके से फरार हो गए। वही पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमे तो हुआ रही है, ये है कनियन जो रख लेते हैं शीशो में हुआ शीशा में तो दौड़ला एगो बिको एगो ई। बिजनौर के जापतागंज का रहने वाला शुभम आए दिन मामूली कहासुनी को लेकर अपनी माँ से झगड़ा करता रहता था। शुभम नशे का आदी था, माँ के मना करने पर उनकी बात को अक्सर नजरअंदाज किया करता था। बीती रात शुभम, उसकी माँ सविता और बहन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसे लेकर गुस्साए शुभम ने अपनी माँ और बहन के सिर पर भारी भरकम चीज से वार कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान माँ ने दम तोड़ दिया। वही बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शिवम को पोस्टमार्टम ढूंढने की कोशिश की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बिजनौर की तस्वीरें जहां पर पुलिस ने आरोपी बेटे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बेटे ने माँ और बहन पर किसी भारी चीज से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान माँ की मौत हो गई है, वहीं बहन की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना नजीबाबाद के जप्तागंज मोहल्ले में शुभम नाम का एक नवयुवक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था, अपने माँ के ऊपर पहले भी अटैक कर चुका था। आज अर्धरात्रि में अपनी माँ सविता और बहन चंचल के ऊपर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया। माँ की मौत हो गई और बहन का इलाज चल रहा है। यह बताया जा रहा है कि इसका इलाज भी चल रहा है और पहले से भी ये पारिवारिक क्लेश विवाद एवं मानसिक असंतुलन के कारण इस प्रकार की हरकत करता रहता है। गोंडा में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान देते हुए ओम प्रकाश राज पर और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जो धारा के विपरीत चलेगा उसकी पहचान मिट जाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में नतीजा सबके सामने है, मुस्लिम का वोट सभी को चाहिए, लेकिन ओबीसी को कोई मंच पर नहीं लाना चाहता। अगर ओबीसी का समझौता होगा तो वो राजभर के जरिए होगा। बीजेपी सांसद ने मुस्लिम समाज को अपनी जात में शामिल होने के लिए भी ऑफर दिया। देखे होंगे कि अगले लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा एक मंच पर आए थे और उसका परिणाम आपने देख लिया है कि क्या हुआ। देखिए, धारा के साथ आप चलेंगे तो आपका सफ़र पूरा होगा, धारा के विपरीत आपका सफ़र बहुत कठिन होगा। आज जो राजभर हैं ये धारा के विपरीत चल रहे हैं, ये धारा के साथ नहीं चल रहे हैं। राजभर समाज जो है, जो गांव का आदमी है, वो सदैव भारतीय जनता पार्टी को मदद किया है और मैं राजभर को चुनौती देता हूं कि राजभर सारे राजभरों के नेता नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।